इसमें तो हजार तरह के जर्म्स होते ना। एक हजार एक लल्लू तुझे मिला के। हेनरी, पीटर कहाँ है? पीटर? अरे अभी तो यही था। मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। मार्केट हमारे घर पर रहने के लिए आ रही है। हमारे घर पे रहेगी? हाँ, उसके मम्मी पापा छुट्टी पे जा रहे हैं। मामा, मेहमान, कितना मजा आएगा। हेनरी, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना तुम्हें। कचरा साफ कर रहा था मॉम। कचरा? तो इस महीने की तुम्हारी पॉकेट मनी गई और पीटर की ये हालत करने के लिए मार्गरेट तुम्हारे रूम में रहेगी। मेरा रूम नहीं। तो ध्यान रहे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मार्गरेट को खुश रखो। लगता है बिना थप्पड़ खाए तुम समझोगे नहीं हेनरी। वाह, आ गई। मेरा रूम सिर्फ मेरा है और कोई इसमें नहीं रह सकता। मार्गरेट, वो गंदी लड़की मेरे टॉय से खेलेगी, मेरे कॉमिक्स पढ़ेगी। थैंक यू सो मच, आपने मार्गरेट को अपने घर में रहने दिया। वो एक प्यारी सी गुड़िया है ना डार्लिंग मार्गरेट? यस मॉमी। हमारे घर में मार्गरेट का स्वागत है, क्या मैं आपकी मदद करूं? मार्गरेट, तुम हेनरी के रूम में रहोगी। मैंने रूम साफ कर दी है। मार्गरेट आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, वो सब कुछ खाती है, जिद नहीं करती, प्यार से बात करती है ना मेरी क्यूटी पाई। बाय डार्लिंग, खूब मस्ती करना। बाय। हेनरी। मार्गरेट, मैं मेहमान हूँ, चल मेरा सामान उठा। अब चल मुझे मेरी रूम दिखा। वो मेरा रूम है। क्यों मार्गरेट, कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? काफी डस्ट है और मुझे डस्ट से एलर्जी है। हम अभी पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे। हाँ, मतलब मैं अपने घर में 6 बजे खाना खाती हूँ और 6 बज गए हैं, मुझे भूख लगी है। ठीक है, हम खाना जल्दी लगाएंगे। मामा संभल कर। पीटर, ये हमारे मेहमान का सामान है, तुझे संभाल के उठाना चाहिए ना। सब्जी लोगी मार्गरेट? नहीं, मुझे सब्जी पसंद नहीं। और क्या आप रोटी थोड़ी पतली नहीं बना सकती? ठीक है, अपनी प्लेट यहाँ लाओ। ये लीजिए और थोड़ी गरम भी कीजिए, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, और मुझे तो पसंद नहीं है। मार्गरेट की बच्ची को दूसरा रूम दे दो। आउच, हेनरी ने मुझे लात मारी। क्या, मैंने नहीं मारा? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बस भी करो हेनरी। अगर मैं कहीं का राजा होता तो मार्गरेट को खूब 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 मजा चकाता। हेनरी, खाने के साथ खेलो मत। हेनरी, 1 महीने की पॉकेट मनी तो कट गई, अगर बात नहीं मानी तो उल्टा लटका दूंगा। गुड नाइट बनी। गुड नाइट बनी। मार्गरेट। ओ मामा, हेनरी डरा रहा है। लल्लू, ये मार्गरेट ने किया है। तू मम्मी से मार्गरेट की चुगली क्यों नहीं करता डरपोक कह के? पर वो हमारे मेहमान है, उसकी चुगली करना बैड मैनर्स हेनरी। बैड मैनर्स?
दिमाग खराब है क्या तेरा? वो उधर मेरे सारे सीक्रेट्स पढ़ लेगी और मैं यहाँ। यिप्पी, क्या आइडिया है? फक्ते, मार्गरेट हमारी मेहमान है, अगर उसे मेरे सीक्रेट्स पढ़ने हैं तो मैं प्यारी मार्गरेट को सीक्रेट्स पढ़वा दूंगा। कल सुबह से शुरू होगा ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट। बस करो, मैंने कहा बस करो। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? अभी तो सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं। मैं हमेशा 6 बजे उठती हूँ और ब्रेकफास्ट के पहले म्यूजिक की प्रैक्टिस भी करती हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले तुम्हारा नाश्ता बना देते हैं। चलो नीचे। सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट शुरू होता है अभी। मेरे रूम में लड़कियों की चीजें। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ लिख रहा हूँ अपनी पर्सनल डायरी में। डायरी? मुझे नहीं पता था तेरे पास कोई पर्सनल डायरी है। नहीं, मैं इसमें अपने सारे सीक्रेट्स लिखता हूँ, तेरे जैसे लोग इसे नहीं पढ़ सकते, समझी? और तुझ जैसे से ही बचाने के लिए मैं इस डायरी को इस बॉक्स में बंद करके इस चाबी से उसे लॉक रखता हूँ और मैं इसे यहाँ रखता हूँ। अब हट बीच में से, मुझे दांत साफ करने हैं। एक बार फंसी तो बार बार फंसी। डियर डायरी, मुझे ये लगता है कि वो आज पीटर को कचरे के डिब्बे में डाल देगी। पीटर कभी अपने मेहमान की चुगली नहीं करेगा और मैं फंस जाऊंगा, जिससे डांट मुझे पड़ेगी, मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ेंगे और ये सब होगा उस मार्गरेट के कारण। हम तो खेलने वाले थे ना, पर ये खेल नहीं है, मुझे मामा की याद आ रही है। अच्छा, तो तू मेरी चुगली करेगा? कभी नहीं, मेहमान की चुगली थोड़ी ना करते हैं। गुड, तो अब हाथ हटा। हे, सुनो, ये कचरे का डिब्बा मत बोलना। ना 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 ना, हेनरी पेटा टूट गया। ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट इन प्रोग्रेस। और ये गया ईमेल। हेनरी, पीटर को कहीं देखा है? हाँ, कचरे के डिब्बे में और कचरे का डिब्बा है गाड़ी में। हाँ, क्या? पीटर, पीटर, रुको! ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट, फाइनल राउंड। हेनरी, हद हो गई, ये तो लगता है झापड़ खाए बिना तो मारोगे नहीं। ये मैंने नहीं किया, पीटर से ही पूछ लीजिए किसने किया। पीटर, याद है ना, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ। याद है ना लल्लू, झूठ बोलना पाप है। हाँ, तुम सही हो, मुझे सच बोलना चाहिए, ये सब मार्गरेट ने किया। मार्गरेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओ बच्चू, तूने मुझे फंसा दिया। और तूने मेरे खिलौने खिड़की से बाहर फेंके, उसका क्या? क्या मैंने फेंके? क्या किया तुमने? मार्गरेट, ये तो हद हो गई। मन तो कर रहा है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ होते तो इसी समय तुम्हें घर भेजती। वेरी गुड मम्मी। अब कौन हो सकता है? I'm so sorry, Margaret, आपको परेशान कर रही है ना? जैसे ही हमें ईमेल मिला, हम वापस आ गए। कौन सा ईमेल? मार्गरेट, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो अब यहाँ से। डैडी, मैं तुम्हें घर चल के देखती हूँ। चलो अब। मैं तुम्हारा सारा सामान पहुँचा दूंगा। वो चली गई। तो वो ईमेल तुमने भेजा था ना?
मैं जानता हूँ अब क्या होगा। 10 साल तक नो आइसक्रीम, नो टीवी, नो पॉकेट मनी। पर मार्गरेट तो गई। हाँ, मैंने ही वो ईमेल भेजा था। हाँ, तो तुम ये कैसे कर सकते हो हेनरी? वैसे तुम अपने रूम में जाओ। जाओ अपने रूम में, नो पनिशमेंट। हाँ, जल्दी जाओ हेनरी। याहू, मेरा रूम। वाह हेनरी, तू तो ग्रेट है।